उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हिंदू परिवार ने दूसरे समुदाय के कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है और इसी वजह से अपना मकान बेचकर गांव से पलायन करने का ऐलान भी किया है। पुलिस अफसरों ने पीड़ित परिवार को जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गाँव नगरिया कला का है। यहाँ के पीड़ित परिवार के लोगों ने बुधवार को SSP और ADG कार्यालय में लिखित शिकायत की। इस परिवार की एक युवती की ओर से दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि उसके पड़ोस का एक लड़का घर में घुस आया और उसे छेड़छाड़ करने लगा। आरोप लगाया कि जब शिकायत करो तो वे लोग लड़ने पर आमदा हो जाते हैं, ऐसे में परिवार का गांव में रहना मुश्किल हो रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसने थाना पुलिस को दबंगों की शिकायत की और पुलिस ने एक आरोपी पर हल्की कार्रवाई कर उसको छोड़ दिया। उसके बाद दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और वो परेशान करने लगे। ये पूरा मामला जो है 28 तारीख का मामला, इसमें जो वादिनी है इसकी बहन की शादी थी और इन्होंने जो दूसरा समुदाय के जो पक्ष हैं उनसे जो खेत है वो टेंट लगाने को लेकर लिया था। उस खेत में इन्होंने जब टेंट शादी का समारोह समाप्त हो गया तो उसमें जो पत्तल वगैरह होते हैं सब वहीं छोड़ दिए थे। इस बात को लेकर जो दूसरे समुदाय और इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ था कि जब उन्होंने ये टेंट उनको दिया है तो इसमें जो गंदगी कर दी गई है तो उसको झगड़ा हुआ था, उसमें जो उसके खिलाफ 151 CRPC के तहत कार्रवाई भी की गई थी और वर्तमान में वहाँ पे जो भूतपूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान की जो उसमें आपस में मतभेद चल रहे हैं उसके बीच में ये घटना, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं। इसमें जो भी इस तरह की कार्रवाई के लिए उकसा रहा है और जो भी इस तरह की काम कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें जानकारी करने में पता चला कि एक भूतपूर्व प्रधान उसमें इन्वॉल्व हैं और वो इस तरह का उनसे काम करवा रहे हैं और इसमें उनके खिलाफ भी इसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इसमें धर्म ग्रंथ दिया जा रहा है जो अलग अलग समुदाय होने के नाते? मामला जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मामला है खेत जो एक समुदाय का था, उस खेत पे शादी समारोह को लेकर उसमें टेंट लगाया गया था और उसमें जो गंदगी पीछे छूट गई थी उसकी साफ सफाई को लेकर इसमें विवाद हुआ था, लेकिन इसमें जो इसको दूसरे रंग दिया जा रहा है और इसमें जो इस तरह का काम कर रहे हैं उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामला कुछ और है, लेकिन किसी के कहने पर इस तरह के मामले को तूल दिया जा रहा है। SSP रोहित सिंह सजवान ने बताया कि यह मामला 28 मई का है। वादिनी की बहन की शादी थी, शादी में दूसरे समुदाय की जमीन टेंट लगाने में प्रयोग की गई थी, लेकिन शादी के बाद जमीन पर पत्तल और गंदगी छोड़ दी गई, इस वजह से दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। SSP ने बताया कि पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, इसके चलते वादिनी पक्ष को पूर्व प्रधान द्वारा उकसाया जा रहा है और इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब पुलिस जांच कर उकसाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।